हे एवरीवन, वेलकम टू यूनिवर्सल ट्रूथ चैनल। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको वो अमेजिंग प्रैक्टिस बताने वाली हूँ जो कि एक जादुई इफेक्ट लाती है आपकी लाइफ में। जो भी आपकी विश है सिर्फ और सिर्फ 11 बार लिखने से मैनिफेस्ट हो जाएगी। मैं आपको दो ऐसी सक्सेस स्टोरीज भी बताऊंगी। इसके अलावा मैंने ऐसी बहुत सी सक्सेस स्टोरीज अपनी कम्युनिटी पे भी पोस्ट की है, लोगों के ने कमेंट भी किया है, और इसके साथ ही मैंने लाइव सेशन में भी जो कि डेली 6 बजे होती है वहाँ पे भी मैंने आपको कई सक्सेस स्टोरीज बताई हैं। वॉइस में भी लोगों की सक्सेस स्टोरीज सुनाई हैं कि कैसे सिर्फ 11 बार इस चीज़ के लिखने से आपको सक्सेस मिलेगी, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी कोई भी विश, चाहे वो आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, या फिर किसी भी तरीके से आपके मैरिज, मनी, जॉब, सक्सेस, या कहीं से भी आपके स्टडीज से, एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, सिर्फ और सिर्फ आपको लिखना है उस विश को याद करते हुए कि आप पूरी तरीके से उसे पा चुके हैं, और फिर आपको वो चीज़ लिखनी है और लिखने के जस्ट बाद आपको सक्सेस मिल जाएगी। वो चीज़ क्या है? बहुत ही सिंपल है। 11 बार लिखनी है, वो तो मैं आपको बताऊंगी। अब मैं बता देती हूँ कि लिखने से पहले आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। देखो, जब भी हम कुछ भी करते हैं, कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी रिचुअल करते हैं, कोई भी प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी प्रोसेस करते हैं, तो एक चीज़ हमें ध्यान देना चाहिए, वो होता है हमारी वाइब्रेशन। हमारी वाइब्रेशन अगर सही होती है तो सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। जैसे मान लो आप कोई अफर्मेशन करो या फिर ये जो प्रैक्टिस में बता रहे हो वो करने जा रहे हो, और आपका माइंड पहले से ही निगेटिव है, यानी पहले से ही आप मान के बैठे हो कि मेरी विश पूरी नहीं हो सकती। तो इस टाइप के माइंडसेट के साथ आप जिस पावर ने आपको क्रिएट किया है उससे भी ऐसे बोल रहे हो, जैसे ये एक तरीके से एक इंसल्ट हो गई कि आप उस पर भी भरोसा नहीं कर रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है। बल्कि अगर आपका मूड ऑफ है या फिर आपको लगता है कि नहीं मेरी वाइब्रेशन बहुत लो है, तो आप क्या कर सकते हो, आप 10 या 20 ऐसी चीज़ों को याद कीजिए जो कि आपकी लाइफ में बेस्ट हुई हैं और आप चाहते हो कि वो हमेशा ही बेस्ट। उन पलों को याद कीजिए जब आपको लगता था कि आप मुसीबत में हैं और अब यहाँ से आप कभी बाहर नहीं निकलेंगे, और फिर भी आप उन मुसीबतों से बाहर निकले और अब आप अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा करो। जब आप ऐसा सोचते हुए अपनी वाइब्रेशन को हाई करोगे तो आप देखोगे कि आपके अंदर विश्वास का स्तर वैसे ही पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा। लिखना कैसे है, किस कलर के पेन से लिखना है, वो भी आप लोग क्वेश्चन करते हो, तो वो भी मैं क्लियर कर देती हूँ कि आप किसी भी टाइप के पेज पे लिख सकते हो, किसी भी कलर के लाइक पेन से लिख सकते हो। ब्लू कलर का पेन आप ले लेना और ब्लू कलर के पेन से आप लिखना, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या है वो लाइन और आपको क्या लिखना है, और वो सक्सेस स्टोरीज भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये लाइन है कि आपको लिखना होगा, मुझे राई के दाने के बराबर आस्था की ज़रूरत है, बस इतना ही। और इसके साथ ही आपको अपने साथ एक राई का दाना यानी मस्टर्ड सीड जो होती है उसे रखनी है अपने आसपास, अपनी नज़रों के सामने, और ख़ुद को बार बार याद दिलाना है कि बस मुझे इतने ही विश्वास, इतने ही फेथ की ज़रूरत है, बस इतना ही मुझे चाहिए। अब मैं आपको वो सक्सेस स्टोरीज बताऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि देखो, अगर आपने कभी भी ऐसी सिचुएशन फेस की है जहाँ पे आपको लगता था कि बस अब मैं हारने वाली हूँ या हारने वाला हूँ, चीज़ें अच्छी कभी नहीं होंगी, और फिर भी आप वहाँ से सक्सेसफुली बाहर निकले हो, तो वो सिचुएशन आपके लाइफ की वो टर्निंग पॉइंट थी जो कि आप अपने आप को उन पलों में याद दिलाओगे कि जब आप बहुत बुरा फील करो, जब आपकी वाइब्रेशन बहुत लो है, तो वो आपको तुरंत हाई वाइब्रेशन पे लेके आती है। तो अपने उन पलों को एज अ मोटिवेशन आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, वो आपके लिए रियल इंस्पिरेशन बनेंगे और वो आपको हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए मोटिवेट करेंगे। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगी, कभी भी अपने विश पे गिव अप मत कीजिए। आपकी विश बहुत बड़ी है आपके लिए और यूनिवर्स के लिए भी। यूनिवर्स चाहते हैं आपकी विश को पूरा करना, इसीलिए कभी भी गिव अप मत कीजिए, हमेशा टिके रहिए, लगे रहिए। जैसा कि मैंने कल लाइव सेशन में भी एक सक्सेस स्टोरी सुनाई थी, खुद सब्सक्राइबर ने अपनी वॉइस में भेजी थी मुझे, वहाँ पे मैंने सुनाई थी, उन्होंने भी सेम चीज़ बोली थी। तो अगर आपको लाइव सेशन वो देखनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए अब एक सक्सेस स्टोरी मैं पढ़ के सुनाती हूँ और एक सक्सेस स्टोरी की स्क्रीनशॉट मैं लगा दूँगी और आप उसे देख सकते हो और खुद से पढ़ सकते हो। ये सक्सेस स्टोरी है मेरी एक सब्सक्राइबर की, उन्होंने लिखा है, हाय दी, मेरी सक्सेस स्टोरी प्लीज़ शेयर करना। आपने मुझे कॉल पर राई के दाने वाला अफर्मेशन बोला था 11 बार 11 डेज तक लिखने का बोला था, मैंने ओनली 1 डे लिखा एंड गेस व्हाट, मुझे सक्सेस मिल गया। मुझे लड़के वाले देखने आने वाले थे, मेरा फेस एंड बॉडी पे 2 वीक से रेड दाने आ गए थे एंड मेडिसिन ले रही थी, फिर भी
ठीक नहीं हो रहा था। मुझे कुछ भी करके 3 डेज में ठीक करना था बट नहीं हो रहा था। वो मुझे पहले ही देखने आने वाले थे बट दाने निकलने की वजह से मैंने मिलना नहीं मिलना चाहती थी, बट अब और डिले नहीं कर सकती थी। ओनली आपका होप था। थैंक यू दी ओनली वन टाइम लिखने से मुझे सक्सेस मिल गई। मॉर्निंग में बिल्कुल डिसअपेयर्ड हो गया। थैंक यू दी मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सक्सेस है। यस डेफिनेटली, ये कितनी बड़ी सक्सेस है। मैंने उन्हें कहा था कि आप 11 टाइम्स लिखो एंड 11 डेज तक लिखो, लेकिन उन्हें पहले दिन में ही सक्सेस मिल गई। और फिर भी मैंने उनसे कहा है कि अभी आप 11 डेज कंटिन्यू रखो ताकि आपको और भी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में मिले। तो अगर आप भी सेम प्रोसेस करते हो पूरे विश्वास के साथ, आपको भी 100% सक्सेस मिलेगी। जैसे इन्हें 24 घंटों में मिली, वैसे ही मेरे कई मतलब बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को मिली है। आप चाहें तो उनकी सक्सेस स्टोरी वॉइस में भी सुन सकते हो। मैं वॉइस वाली सक्सेस स्टोरी की जो प्लेलिस्ट है उसे भी लिंक में दे दूंगी। ज़रूर सुनना, डेली 4 या 5 वॉइस वाली सक्सेस स्टोरी ज़रूर सुनो। तो आज के वीडियो में इतना ही, एंड इस वीडियो से जो सक्सेस स्टोरी आएगी आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो, मुझे सक्सेस स्टोरी सेंड कर सकते हो इंस्टाग्राम या फिर जीमेल के थ्रू। और अगर आप मेरी कोर्सेज लेना चाहते हो, यानी मेरी सबसे पावरफुल कोर्स डेली कोर्स रूटीन अगर आप लेना चाहते हो, या अदर कोर्सेज, या मुझसे बात करना चाहते हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम या फिर जीमेल के थ्रू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।